पश्चिम बंगाल में भी पेंच फंसा हुआ है, दिल्ली में भी पेंच फंसा हुआ है, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ महा विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की शरद पवार उद्धव ठाकरे से सीटों को लेकर फोन पर बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर डेडलाइन तय कर ली गई है। खबर यही है कि 28 फरवरी डेडलाइन तय की गई है। 28 फरवरी तक सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तय करने पर चर्चा होगी। जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, फोन पर तीनों की बातचीत हुई है। सीट शेयरिंग 28 तारीख तक कर लिया जाना है और जाहिर सी बात है समय अब बहुत नजदीक है। 28 तारीख के बाद तो कहा यही जा रहा है मार्च में कभी भी चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो सकती है। और अब इन सबके बीच में कांग्रेस का दावा यह है कि महाराष्ट्र और बंगाल में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो गई है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने सीट शेयरिंग कर ली है। अब आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर बात बन गई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आप देखिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में डील पक्की होती हुई दिखाई दी है। दिल्ली में बात बन गई है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिहार में भी कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या रहेगा इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। कई कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। रविदास मंदिर में किए दर्शन, रोड शो में उमड़ा जन सैलाब, यूपी को 13,000 करोड़ की सौगात, इंडी गठबंधन पर भी बोला हमला। परिवार वाली पार्टियों की एक और पहचान है कि अपने परिवार से बाहर जितने वाले आदिवासी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। संदेश खाली पर संग्राम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल दौरा, 1 और 2 मार्च को आरामबाग और कृष्णानगर में रैली, 6 मार्च को भी बंगाल के 12-7 में संदेश खाली की महिलाओं से होगी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सिर्फ 6 तारीख को 6 मार्च को वो महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगे 12-7 में, अभी तय है। इसके साथ साथ क्या उसमें संदेश खाली की महिलाएं होंगी? हाँ, संदेश खाली की महिला होगी। संदेश खाली जा रही बीजेपी महिला मोर्चा की टीम को रोकने पर बड़ा हंगामा, पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प। मामले की जांच के लिए पहुंची एनएचआरसी की टीम, शाहजहां शेख की तलाश में ईडी की छापेमारी। दिल्ली और गुजरात में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच फंसा पेच। बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच बातचीत अगले दौर में। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से राहुल गांधी की बात। 10 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी, 7 से 8 चरणों में हो सकता है मतदान। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।